वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपेरिमेंटल किचन। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड गुलाब जामुन। ये बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने लिए हैं लगभग 20 ब्रेड, 2 इलायची, 1 कप दूध और 1 कप चीनी। अब हम चाशनी बनाने के लिए एक पैन में चीनी और पानी डालेंगे और उसे उबालने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, उबाल आ चुका है। इसे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इतना पकाएंगे कि हाथ में लगाने पर ये ऑयली फील हो। ये देखिए, चाशनी लगभग तैयार हो गई है और अब इस स्टेज पर हम इसमें इलायची कूट के डाल देंगे। गुलाब जामुन का डो तैयार करने के लिए सारे ब्रेड्स के छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इसमें धीरे धीरे करके दूध डालेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, दूध और ब्रेड को एक साथ। सारे ब्रेड्स के पीस तैयार हैं और अब हम इसमें धीरे धीरे करके दूध ऐड करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमने 10 स्पून मिल्क ऐड किया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मैश कर लेंगे और इसमें धीरे धीरे और दूध ऐड करेंगे। लगभग इसमें 20 चम्मच दूध लगा है और आप इसे अच्छे से आटे की तरह गूंथ लें। अगर इसमें कोई ब्राउन वाला पार्ट रह गया है तो आप उसे बाहर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि जब ये खाते टाइम मुंह में आते हैं तो स्वाद खराब कर देते हैं। इसे अच्छे से हम आटे की तरह गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मेरा डो रेडी हो गया है और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह आपको लोइयाँ बनानी है और अब हम इसी तरह सारी लोइयाँ तोड़कर तैयार कर लेंगे। सारी लोइयाँ तैयार हैं, इन्हें हम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और फ्लेम हाई भी नहीं होना चाहिए। कलछी से आप इस तरह इन पर तेल डालिए जिससे ये अच्छे से पक जाए। गुलाब जामुन आप मीडियम फ्लेम पर ही तलें, नहीं तो वो बाहर से ब्राउन हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन तल लेंगे। देखिए, मेरे गुलाब जामुन तो अच्छे से तल गए हैं और मैं इन्हें अब एक एक करके प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह से आपको सारे गुलाब जामुन प्लेट में निकाल लेने हैं। देखिए, सारे गुलाब जामुन मैंने निकाल लिए हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैंने जो चाशनी बना के रखी थी उसमें ये गुलाब जामुन डाल दूंगी। आप इन्हें गर्म चाशनी में डालकर 30 मिनट के लिए रख सकते हैं या एक उबाल देकर 20 मिनट तक भी रख सकते हैं। मैंने गैस ऑन करके इसमें एक उबाल दे दी है और फ्लेम ऑफ करके इसमें इसको ढक दिया है। लगभग 20 मिनट के बाद ये देखिए, हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ रेसिपी शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।